तू भी क्या याद रखेगी? अपन तेरी ध्रुव की वेदिका बनने को तैयार है। ध्रुव की वेदिका बनने को तैयार है। हमेशा तमन्ना था एक 5-स्टार होटल में रहने का। एकदम झकास है ये तो। ये लो। कितना है? 10,000 तुम्हारे खाने पीने के लिए। ए हाई सोसाइटी, अपन का खाना पीने का अलग रहेगा, जो अपनी बात फाइनल हुई है उससे अलग। तुम्हारा रहना खाना पीना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने पूरे पैसे मिल जाएंगे। कुछ एडवांस मिल सकता है क्या? ये लो, 2,00,000 रुपए हैं। आई ला हाय मेरी बैंक बैलेंस। अपुन ने इतना सारा पैसा आज पहली बार देखा है। अपुन लालची नहीं है, हाँ? और लालच भी अपन को तेरे पास खींच के नहीं लाया। वो साला अपना सपना, आंखें बंद करो ना, साला सपना आ जाता है। अपुन ने भी एक सपना देखा है, एक शानदार बैंगलो। बैंगलो के आगे एक चमक चमाती हुई लंबी गाड़ी, गाड़ी में ड्राइवर और बैंगलो में रहने वाला एक चिकना छोकरा, अपुन का मर्द। अरे बिल्कुल तेरे बेटे की तरह अपुन को प्यार करना मांगता। हाँ, और बैंगलो में एक और चीज है, छक्का तेरे जैसे सासू माँ। वो कहते हैं ना, अगर सपना सच्चे दिल से मांगो ना, पूरा हो जाता है। बस अपना सपना पूरा होने जा रहा है। नाटक के तौर पे ही सही, लेकिन पूरा तो हो रहा है ना। अपने नसीब में सुख चैन तो है ना। अपुन रायजादा खानदान की बहू तो बनने जा रहा है ना। लाली, नाटक खत्म होते ही नाटक वाले को अपने असलियत पे आ जाना चाहिए। तुम्हें भी वेदिका से वापस लाली बनना पड़ेगा। अरे टेंशन मेंशन क्यों लेती है हाई सोसाइटी? अपुन अपनी असलियत नहीं भूलेगा। अपुन को वेदिका नहीं बनना, अपन लाली ठीक है।